गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं चमन प्रकाश जीनियस मॉडल स्कूल सूरतगढ़ से अपने क्लास 12 का जो कंप्यूटर साइंस में जो टॉपिक चल रहा था नेटवर्किंग, जो टॉपिक चल रहा था अपना नेटवर्क, उसके अंदर हमने पढ़ रहे थे नेटवर्क टोपोलॉजी। क्या कौन सा टॉपिक चल रहा था? नेटवर्क टोपोलॉजी। टर्मिनल लगे होते हैं, यानी
टर्मिनल लगे होते हैं, अगर इसको अगर हमने इंफॉर्मेशन इस कंप्यूटर को भेजनी है तो फर्स्ट वाले में तो पहले यहाँ आएगी, उसके बाद में यहाँ जाएगी, ठीक है। उसके बाद में ये टर्मिनल का क्या काम होता है कि भाई आगे रास्ता बंद है, आप यहाँ से वापिस जाओ, कहने का मतलब इंफॉर्मेशन जा रही है। अगर आपने किसी के पास भेज रहे हैं, अगर वो उसको एड्रेस नहीं मिला है तो वो क्या होगा, वापिस आ जाएगा। उसके बाद अगर वापिस से जिस कंप्यूटर में भेजनी है तो वो उस पर चला जाएगा। इसमें टर्मिनल होता है और इसमें मुख्य कंप्यूटर होता है, इसमें कोई मुख्य कंप्यूटर नहीं होता, इसमें बाई डायरेक्शन होता है, कहीं भी कि कोई भी रास्ते से जा सकती है। ये होती है रिंग टोपोलॉजी। अब अपनी बात करते हैं स्टार टोपोलॉजी। थर्ड वन है स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है, जैसे अपने स्टार की तरह ये क्या है, प्रकार से स्टार, जैसे एक कंप्यूटर ये है, ए बी सी डी और ई और एफ, ये अपने पास कंप्यूटर है, ये कनेक्ट है एक दूसरे से, ये बीच में क्या होता है, हब होता है। क्या होता है, हब। अब आपको मैंने पढ़ाया है नेटवर्क के डिवाइस, हब क्या है, ये नेटवर्क डिवाइस है। स्टार टोपोलॉजी में नेटवर्क डिवाइस हब का प्रयोग होता है। देख लो, स्टार टोपोलॉजी में डिवाइस हब का प्रयोग होता है, यानी स्टार टोपोलॉजी में किसका प्रयोग होगा, हब का होगा। यानी ये सारे कंप्यूटर किससे कनेक्ट होंगे, एक सेंटर में जो नोड है या उसको बोल सकते हैं नेटवर्क डिवाइस, इससे सभी कंप्यूटर क्या होंगे, ये कनेक्ट होंगे। और ये कंप्यूटर क्या करेंगे, जैसे ए को अगर बी के पास इंफॉर्मेशन भेजनी है तो पहले क्या करेगा, ए इंफॉर्मेशन कहाँ जाएगी, कि इसे हब के पास जाएगी। और हब का कार्य क्या होता है कि ये जितने भी हब के साथ कंप्यूटर जुड़े हुए हैं, जैसे बी सी डी जितने भी कंप्यूटर जुड़े हुए हैं, हब क्या करेगा, सभी पे इंफॉर्मेशन सेंड कर देगा। बट अथॉरिटी किसके पास होगी, जिसके पास पासवर्ड होगा, तो जिसके पास ये डी के पास इंफॉर्मेशन दे रहा है तो अथॉरिटी सिर्फ डी डी के पास है एक्सेस करने की, ना कि कोई और कंप्यूटर उसको एक्सेस कर सकते। यानी मुख्य बेस पे एक नेटवर्क डिवाइस की जरूरत पड़ती है, जिसे अब हो गया स्विच, हो गया स्विच के बारे में, स्विच के बारे में भी बताया था मैंने आपको, ये क्या है, नेटवर्क डिवाइस है, इसमें डिफरेंस क्या है, अब और स्विच इनके बारे में बताया था मैंने। हब और स्विच में क्या डिफरेंस है भाई, हब क्या करता है, अगर हब लगा हुआ है तो ये इंफॉर्मेशन जितने कंप्यूटर अटैच है उनके पास सभी के पास भेज देगा, जब भी कभी तक उसको क्या कहते हैं, डम, हमको क्या बोलते हैं, डम। यानी इसमें कोई बुद्धि नहीं होती, मतलब इसके पास कोई इंफॉर्मेशन आई और इसके साथ जितने भी कंप्यूटर अगर अटैच है उन सभी के पास इंफॉर्मेशन चले जाएगी। बट स्विच क्या है, एक इंटेलिजेंस नेटवर्क डिवाइस है। स्विच क्या करता है, अगर कोई भी अगर यहाँ स्विच लगा दे, सपोज को यहाँ मैंने स्विच लगा दिया और ए इंफॉर्मेशन बी के पास भेज रहा है, तो स्विच क्या करेगा, और जो जितने भी कंप्यूटर अगर अटैच है उनके पास वो इंफॉर्मेशन नहीं भेजेगा, वो सीधा किसके पास भेजेगा, अपने जिस कंप्यूटर पे अपने सेंड करें उसी पे ही जाएगा, ठीक है, अन्यथा वो किसी पे नहीं जाएगा। और इसमें क्या कमी होते हैं, यहाँ पे ये पोर्ट होते हैं, क्या लगे बने होते हैं, पोर्ट और बने होते हैं, जैसे कंप्यूटर को अटैच करेंगे तो वो किस में जाए, पोर्ट से अटैच होगा। ये हब और स्विच में क्या है, मेजर डिफरेंस है। उसके बाद हम बात करते हैं अपने मेश टोपोलॉजी। मेश
टोपोलॉजी। तीन टोपोलॉजी क्या आते हैं? यह है बस टोपोलॉजी, कॉम्बिनेशन होता है। ट्री टोपोलॉजी क्या होती है? बस एंड स्टार टोपोलॉजी का जो दोनों को मिला के जो टोपोलॉजी बनती है वो कौन सी होती है? ट्री टोपोलॉजी। इसका स्ट्रक्चर देखो कैसे होता है। यानी ये क्या है? बस टोपोलॉजी का उदाहरण तो ये हो गया, क्योंकि इसके स्टार्टिंग और एंडिंग में क्या लगा हुआ है? टर्मिनल लगे हुए हैं। उसके बाद में जैसे यहाँ से यहाँ पे क्या है? नोड लगी हुई है। इस नोड को क्या कहते हैं हमने? हम या नेटवर्क है, डिवाइस है। और नेटवर्क डिवाइस किसमें यूज होती है? स्टार टोपोलॉजी में। ये एक स्टार की आकृति में है। ये क्या है? स्टार की आकृति में जो ये नोड है ये किसके साथ कनेक्ट है? बस टोपोलॉजी के। इसी हिसाब से इधर ये क्या है? स्टार टोपोलॉजी। ये भी एक स्टार टोपोलॉजी है। ये स्टार टोपोलॉजी और ये एक है बस टोपोलॉजी। यहां से डायरेक्ट कंप्यूटर में प्लान लगा सकते हैं, नोड लगा सकते हैं। ये क्या है? बस टोपोलॉजी। इन सभी का कॉम्बिनेशन यानी स्टार और बस का जो कॉम्बिनेशन है वो क्या है? ट्री टोपोलॉजी।